एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इम एजुकेशन फ्रेंड्स मैं आज आपको बी ए थर्ड ईयर इंग्लिश नोवल से रिलेटेड एमसीक्यूज कराऊंगी तो चलिए हम शुरू करते हैं नोवल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नोवल की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई नोवल शब्द आंसर है इटेलियन वर्ड नोवेला ये एक इटली का वर्ड है नोवेला नोवेला से ही नोवेल की उत्पत्ति हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवेला मीन्स नोवेला का मतलब क्या होता है आंसर है समथिंग न्यू एंड स्ट्रेंज कुछ नया और स्ट्रेंज अद्भुत नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोवल कंसिस्ट ऑफ नोवल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लॉट होता है करेक्ट कैरेक्टर होता है डायलॉग्स होते हैं ये सभी उसमें एलिमेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कार्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नोवल, आधुनिक नोवल के फाउंडर कौन हैं आधुनिक नोवल के जो फाउंडर है वो फील्डिंग को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक प्लॉट इज अ ऑर्गेनिक प्लॉट जो है वो किस तरह का होता है वो एक वेल नीटेड प्लॉट होता है वो अच्छे से कहानी बुनी हुई होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसीडर्ड अ ग्रेट प्लोट मेकर किसको एक ग्रेट प्लोट मेकर कहा जाता है समझा जाता है एडमंड विल्सन को कहा जाता है हम एडमंड विल्सन को एक ग्रेट प्लोट मेकर कह कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स प्लोट कंसिस्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स प्लोट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं सप्लोट्स दैट आर इंटरलिंक उसमें जो सप्लोट रहते हैं सप्लोट जो और कहानी जुड़ी हुई रहती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नाल्स ऑफ लूज प्लॉट लूज नावल में जो लूज प्लॉट होता है उसका क्या मीन्स होता है उसका मतलब है कि द इवेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड जो उसमें घटनाएं होती हैं प्लॉट में कहानी में वो एक दूसरे से संबंधित नहीं रहती हैं फ्रेंड्स अगर आपको प्लॉट कितने तरीके के होते हैं मैंने उन पर भी वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोवल ऑफ लूज प्लॉट इन सभी में से लूज प्लॉट के आ, लूज प्लॉट पर नोवेल कौन लिखते हैं आंसर है एंड्रियूस। जोसफ एंड्रयूज जोसफ एंड्रयूज लिखते हैं जो कि उनके जो प्लॉट होते हैं वो लूज प्लॉट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम्पे हु एम्फेसाइज्ड ऑन द प्लॉट प्लॉट पर बल किसने दिया था आंसर है एरेस्टोटल अरस्तु ने प्लॉट पर बल दिया था कि प्लॉट सबसे पहले होना चाहिए पावरफुल होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज सिंपल प्लॉट हैज एक सिंपल प्लॉट में क्या होता है सिंपल प्लॉट में एक सिंगल स्टोरी होती है सिंपल प्लॉट हम उसे ही कहते हैं जिसमें एक साधारण और एक ही स्टोरी दी गई हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव्स सेकंड प्लेस टू कैरेक्टर किसने प्लॉट के बाद दूसरा नंबर जो दिया है प्ले में या नोवल में कैरेक्टर को वो किसने दिया है आंसर है एरेस्टोटल अरस्तु ने सेकंड नंबर दिया है क्योंकि पहले नंबर पर उन्होंने प्लॉट को रखा है दूसरे नंबर पर उन्होंने कैरेक्टर को रखा है आ, मैंने सभी टॉपिक पर वीडियो बनाई हैं आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं मैंने प्ले नहीं बनाई है हु गिव्स द थीमेटिकल कैरेक्टर इज़ अ कैरियर ऑफ जो थीमेटिकल कैरेक्टर होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ें वो क्या लेकर आगे चलता है आंसर है व्यूज एंड थीम्स उसमें व्यू और थीम्स होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिसोडिक कैरेक्टर इज़ अ परफॉर्मर ऑफ एपिसोडिक जो कैरेक्टर होता है वो किस तरह का परफॉर्मर होता है वो एक एक्शन करता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर्स ड्रॉन ऑन द ट्रेडिशनल ओल्ड पैटर्न आर जो ऐसे कैरेक्टर जो पुरानी परंपराओं के पैटर्न पर हों उन्हें क्या कहते हैं आंसर है कन्वेंशनल कैरेक्टर उन्हें परम पारंपरिक कैरेक्टर हम बोलते हैं कन्वेंशनल इट मीन्स पारंपरिक नेक्स्ट कै नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंडिड कैरेक्टर है हैजा राउंड कैरेक्टर में राउंड कैरेक्टर में क्या होता है वो किस तरह का होता है राउंड कैरेक्टर में कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है क्योंकि वो कैसे भी चेंज हो जाता है कहानी में जो पाठक होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है वो किस तरह का करेक्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग द साउल ऑफ ट्रेजेडी ट्रेजेडी की जो प्लॉट होता है वो सबसे पहली चीज़ होती है द साउल ऑफ ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी की आत्मा होती है कैरेक्टर इज द सेकेंडरी बाद में हम कैरेक्टर को रख सकते हैं ये लाइनें किसने कही हैं ये फ्रेंड्स कोटेशन है आप इसे जैसे प्लॉट के बारे में कोई क्वेश्चन आए या फिर ट्रेजेडी के बारे में या फिर कैरेक्टर के बारे में आए तो आप इस कोटेशन को डाल सकते हैं ये एरेस्टोटल द्वारा कही गई एक फेमस कोटेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लॉट प्लॉट के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है इट इज़ सिनोनियम टू स्टोरी ये कहानी का एक सिनोनियम वर्ड है नहीं ऐसा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लैट कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर हम किसे कहते हैं आंसर है ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कैरेक्टर कि कितने प्रकार के होते हैं फ्लैट कैरेक्टर किसे कहते हैं राउंड कैरेक्टर किसे कहते हैं इसके ऊपर भी मैं uh, जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी अगर आपको लगता है कि मुझे बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे क्या चेंज करना चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए अ फ्लैट कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर में क्या क्या, -क्या क्वालिटीज़ रहती है इट इज़ स्टैटिक इन प्लॉट वो एक ही तरीके का रहता है पूरे कहानी में सेंटर्स राउंड अ सिंगल आइडिया ऑफ क्वालिटी वो केंद्र रहता है प्लॉट का कहानी का और उसमें एक ही आइडिया एक तरीके का और एक ही क्वालिटी होती है लैक्स कॉम्प्लेक्सिटी और उसमें जटिलताओं की कमी रहती इट तो मीन जो फ्लैट कैरेक्टर रहेगा हम उसे समझते कि ये तो ईमानदार है ईमानदार ही रहेगा हम उसे अच्छे से जान सकते हैं तो ये सारी ही क्वालिटी क्वालिटीज़ एक फ्लैट कैरेक्टर में होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्टैंड फॉर सर्टेन आइडिया एंड वर्च्यू थीम्स एंड फ्लोसोफीज इज़ कॉल्ड एक पर्सन जिसमें एक निश्चित आइडिया हो निश्चित वर्चु गुण हो थीम्स हो और फलोसफीज हों से उसे हम क्या कहते हैं आंसर है सिंबॉलिक कैरेक्टर ये सब सिम्बोलिक कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड टूडेज लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट नॉवल इस नोवल के बारे नावल के बारे में कौन सी लाइन इनमें से ट्रू नहीं है इट इज़ बाउंड बाय द रूल्स ऑफ मीटर एंड वर्सिफिकेशन ऑफ द पोएट्री ये बंधा हुआ होता है जो नोवेल होता है वो नियमों से बंधा हुआ होता है मीटर के लिए वर्सिफिकेशन आ, के लिए पोएट्री में जैसे वर्सेस कविताओं के लिए या फिर मीटर के लिए ऐसा कुछ नहीं होता ये स्टेटमेंट इसमें रोंग है फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग